नमस्कार, मैं शालिनी। आइए आज मैं आपको मूंगफली की चटनी बनाना बताती हूँ। इसके लिए हम ले लेंगे मूंगफली, गुड़, थोड़ी सी इमली, लाल मिर्च, नमक और लहसुन की कुछ कलियाँ। सबसे पहले मूंगफली को थोड़ा रोस्ट करेंगे। एक पैन को गरम करेंगे और उसमें मूंगफली डालकर इसे रोस्ट कर लेंगे। उसमें ही लाल मिर्च डालकर भी इसे भी रोस्ट कर लेंगे। मैंने एक बाउल मूंगफली के दाने लिए हैं और तीखा अपने अनुसार लेना है, कितना तीखा पसंद है। मैंने दो मिर्ची ली है, ये तीखी मिर्च है। अब इस मूंगफली को और लाल मिर्च को रोस्ट कर लेंगे। सीम आँच करके, बहुत तेज़ आँच करके रोस्ट नहीं करें तो ये रोस्ट नहीं होती है, सिर्फ जल जाती है। अब ये रोस्ट हो गई है। अब इसे ठंडा करके इसके ऊपर की कवरिंग को हटा लेंगे। इसकी जितनी कवरिंग हट सके उतनी को अच्छी तरह से इस तरफ से हाथ से रगड़ कर हटा लेंगे। इसके कवरिंग को हटा लेंगे और अब इसे मिक्सी के पॉट में डालेंगे। चटनी पॉट में लाल मिर्च डाल देंगे, लहसुन की कुछ कलियाँ। एक बाउल मैंने मूंगफली लिया है तो उसमें मैं 7-8 लहसुन की कलियाँ डाल दूँगी और थोड़ी सी इमली, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी डालनी है। थोड़ी सी गुड़ 1 चम्मच डाल दें और मूंगफली। अब इसमें 1/4 चम्मच मैं नमक डालूँगी और इसे अब पीस लेती हूँ। इसे पीस कर सबसे पहले पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, ये पाउडर हो गई है। अब चाहे तो इस पाउडर को आप 1 हफ्ते रख पी सकते हैं और जब चटनी बनाने की ज़रूरत हो इसमें पानी फेंट कर मिक्स कर लें। एक बार रन कर दें मिक्सी के पॉट में डालकर और चटनी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पाउडर को थोड़ा निकाल कर रख दूँगी। थोड़ा पाउडर मैंने निकाल कर रख दिया है। अब मैं इसमें जितनी ज़रूरत है उतने में पानी डालकर इसे पीस लूँगी। थोड़ा ही पानी डालें, इसे पीस लेना है। देखिए पेस्ट हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और नमक ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी नमक डाल दी है। अब मैं इसे एक बार रन कर देती हूँ। ये चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से मूंगफली की चटनी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है डोसा वगैरह के साथ खाने में, इडली के साथ, डोसा के साथ जब आप इसे शामिल करेंगे तो ये उसके स्वाद को बढ़ा देगी। और ऐसे भी मूंगफली बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है, ऐसे भी बनाकर खाई जा सकती है चपाती वगैरह के साथ। तो आप बनाकर खाकर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।